जय श्री कृष्ण। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले आज आप अन्यत्र घूमने की स्थिति बन सकती है एवं अटका हुआ धन या व्यापार आपको प्राप्त हो सकता है। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को विद्या अध्ययन सरकारी क्षेत्र में एवं राजस्व विभाग, जल निगम आदि क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होंगी। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं एवं आज आप बिछड़े हुए लोगों से मिलन भी हो सकता है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आप धंधे, व्यापार, बिजनेस को लेकर के नई ऊंचाई, बुलंदी को छू सकते हैं, ऐसा मन में आपका विचार आएगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को मानसिक तनाव, बेचैनी किसी बात को, धन या किसी कर्ज को लेकर के हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के सचेत और सतर्क रहें। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आज आपको द्रव्य लाभ प्राप्त हुआ, अटका हुआ धन या यदि आपने किसी लोन से, किसी बैंक से लोन इत्यादि लिया है या लेने वाले हैं, तो आपका काम श्रेष्ठ और संपन्न हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसे योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। आप श्री हनुमान जी की आराधना करें तो और अच्छा रहेगा। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को मानसिक तनाव, बेचैनी किसी बात को लेकर हो सकते हैं, स्त्री पक्ष से मनमुटाव की स्थिति और बढ़ सकती है। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आज आप कोई नया काम, बिजनेस प्रारंभ कर सकते हो। आप पीपल वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलावें, चार परिक्रमा करें तो उत्तम रहेगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वालों को मानसिक तनाव, बेचैनी कम होगी। आज आप कोई नई दुकान, नए व्यापार इत्यादि इत्यादि शुरू कर सकते हैं एवं आपका अटका हुआ काम शुद्ध संपन्न होगा। बारहवीं राशि मीन। मीन राशि वाले व्यक्तियों को मांगलिक शुभ सूचना, विवाह इत्यादि जैसी स्थिति बन सकती है अथवा कोई नया काम, व्यापार की शुभ सूचना प्राप्त होगी। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का काम भी आप शुरू कर सकते हो। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। जय माँ पीतांबरा। जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।